अनेकांत और अप्रिग्रह के अग्रदूत भगवान महावीर के श्री चरणों में कोटि नमन। भगवान महावीर की गौरवमयी अध्यात्म परंपरा के वर्तमान संभाग जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म के एकादशम अधिशास्ता राष्ट्र संत महामनीषी महायोगी अहिंसा यात्रा प्रणेता आचार्य श्री महाश्रवण जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। सभी चारित्र आत्माओं को सादर वंदन। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित त्रिपुरा विश्वविद्यालय के सभी प्रतिनिधि वंदन एवं उनके सभी सहयोगी जन, गया यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक श्रीमान नालिनी जी शास्त्री जो कि आज के कार्यक्रम संबोधि ग्रंथ पर प्रमुख प्रवक्ता भी है, गुवाहाटी से पधारे हुए श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा के अध्यक्ष एवं हमारे आंचलिक प्रभारी श्री वसंत जी सुराणा, गुवाहाटी सभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री बाबूलाल जी श्रीमान, गुवाहाटी सभा के मंत्री श्री अशोक जी सेठिया, कार्यकारिणी सदस्य श्री रितेश जी कठेर, आप सभी का अगरतला की इस पावन धरा पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत एवं बहुत बहुत साधुवाद। श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा अगरतला के अध्यक्ष श्रीमान अमरचंद जी दुग्गड़ एवं सभा के सभी पदाधिकारी गण एवं सभी सदस्य गण, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। उपस्थित तेरापंथ योग परिषद के अध्यक्ष, महिला मंडल की सभी सदस्य हैं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एवं धन्यवाद। आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय देकर यहाँ उपस्थित हुए, इसके लिए सभी को बहुत बहुत साधुवाद। आज का ये हमारा कार्यक्रम त्रिपुरा विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग जैन अध्ययन केंद्र श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा गुवाहाटी एवं असम के प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्था प्राच्य विद्या संस्कृति प्रतिष्ठान गुवाहाटी के संयुक्त तत्वाधान में त्रिपुरा विश्वविद्यालय में एक दिवसीय जैन दर्शन संगोष्ठी एवं संबोधि का कार्यक्रम जो रखा गया है, गया यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक श्री शास्त्री जी इस विषय पर विस्तार से रोशनी डालेंगे। पानी की एक एक बूंद जिस प्रकार धीरे धीरे रीस रीस कर, पानी की एक एक बूंद जिस प्रकार धीरे धीरे रीस कर सीप में इकट्ठी होती है और समय के साथ मोती बनती है, उसी तरह से पूर्वोत्तर के श्रावक समाज की आस्था और श्रद्धा की बूंदें धीरे धीरे रीस कर करुणा एवं वात्सल्य का मोती बनने का प्रयास कर रही है। आज का प्रोग्राम भी इस प्रयास की एक कड़ी है। राग द्वेष को जीतने वाले महापुरुष को जिन कहते हैं, जिनको भगवान मानने वाले भक्त जैन कहलाते हैं, तथा जिन भगवान के द्वारा जो धर्म परिवर्तित होता है उसका नाम जैन धर्म है। जैन धर्म आत्ममुक्ति का मार्ग है। भगवान महावीर के शब्दों में मुक्ति के दो उपाय बताए गए हैं, ज्ञान और चारित्र। इन दोनों की आराधना करके जीव दुखों से मुक्त हो सकता है। हम लोग अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि त्रिपुरा के इतिहास में शायद इस तरह का यह प्रोग्राम पहली बार होने जा रहा है। जैन एक चैप्टर यहाँ पर चालू होने जा रहा है, जैसा कि आप सभी को मालूम भी है, तो ये हमारे त्रिपुरा के लिए गौरव की बात है। ओम अरम से इसका हम लोग स्वागत करना चाहिए। संबोधि ग्रंथ के रचयिता आचार्य महाप्रज्ञ जी के शब्द, आत्मा मेरा ईश्वर है, आत्मा मेरा ईश्वर है, त्याग मेरी प्रार्थना है, मैत्री मेरी भक्ति है, संयम मेरी शक्ति है और अहिंसा मेरा धर्म है। इन शब्दों में अपने भावात्मक व्यक्तित्व का परिचय देने वाले अध्यात्म योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को सत सत वंदन। निशाने पे लगे उसे ही तीर कहते हैं, साहस से जिए उसे ही वीर कहते हैं, जो मिटा दे जुल्म दुनिया के उसे वीर नहीं महावीर कहते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, कोई भूल त्रुटि हुई हो तो क्षमा चाहता हूं। जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रवण, जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रवण। आपका यह कार्यक्रम सफल हो इसी मंगल भावना के साथ ओम।